हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन बिन हातिम ताई, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने मुझे पहचाना? अधेड़ उम्र के एक वजीह आदमी जिनका लिबास गर्द आलूद था और चेहरे पर तकान और ताज्जुब के आसार नुमाया थे। मस्जिद नबी में ये अल्फाज अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन से मुखातिब होकर कह रहे थे। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन की खिलाफत का इब्तदाई ज़माना था। खिलाफत के बारगरा ने आपको इस कदर खामोश और संजीदा मिजाज बना दिया था कि मुलाकात के लिए आने वालों को उनके रवैये पर सर्द मोहरी का गुमान होता था। अमीरुल मोमिनीन ने इन साहब से रस्मी अंदाज में मुसाफा किया तो उन्हें शक गुजरा कि हजरत फारूक ने उन्हें पहचाना ही नहीं। लेकिन जो ही उनकी जुबान से इस तफहामिया लहजे में ये अल्फाज अदा हुए, फारूक आजम ने उन पर शफकत भरी एक भरपूर नजर डाली और बड़े गंभीर अंदाज में यूं गोया हुए, हाँ हाँ, खुदा की कसम खूब पहचानता हूँ, तुम्हें अल्लाह ताला ने हुस्न मारफत से मुशर्रफ किया है। वल्लाह, तुम उस वक्त ईमान लाए जब बहुतेरे लोग कुफ्र और शिर्क की जुल्मत में भटक रहे थे। तुमने उस वक्त हक का इकरार किया जब लोग इनकार कर रहे थे। तुमने उस वक्त वफा की जब लोग बदहदी कर रहे थे। तुम उस वक्त आगे बढ़े जब लोग पीछे हट रहे थे। सबसे पहला सदका जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब के चेहरों को बशाश किया, तुम्हारे ही कबीले तय का तो था। अमीर मुमिनीन इतना ही कह पाए थे कि नौवारिद मुलाकाती बेख्तियार पुकार उठा, बस ए अमीर मुमिनीन, बस मेरे लिए यही काफी है। फारूक आजम के ये मुलाकाती अबू जरीफ अदी ताई थे। अबू जरीफ अदी रजी अल्लाह ताला अन उस नामूर बाप के फर्जंद थे जिसकी सखावत, शुजात, मुरव्वत और मेहमान नवाजी की जहूर इस्लाम से कुछ अरसे पहले सारी दुनिया अरब में धूम मची हुई थी। हमारी मुराद हातिम ताई से है। हजरत अदी रजी अल्लाह ताला का कबीला तय मुद्दतों से यमन में आबाद था और वहां के सरबर आवरदा कबीलों में शुमार होता था। इस कबीले ने एक अरसे पहले दीन ईसाई कबूल कर लिया था और ईसाइयों की रकवी फरके में शामिल हो गया था। हातिम ताई इस कबीले का सरदार था। हजरत अदी रजी अल्लाह ताला ने होश संभाला तो इमारत और सतवत और जाहो हशमत को अपने घर की कनीस पाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से चंद साल पहले जब हातिम ताई ने वफात पाई तो कबीले तय की सियादत का ताज दस्तूर के मुताबिक अदी रजी अल्लाह ताला के सर पर रखा गया और जहूर इस्लाम के वक्त वही बनू तय के सरदार और हुक्मरान थे। जब इस्लाम की फतुहात का सैलाब अरब में हर तरफ फैलने लगा तो अदी ने अपने इख्तदार का सिंहासन डोलता हुआ महसूस किया और समझ गए कि इस सैलाब को रोकना उनके बस की बात नहीं, लेकिन हुकूमत का नशा आसानी से नहीं उतरता। चुनांचे लवाए इस्लाम थामने के बजाय उन्होंने इस मौके पर जो तरीक़े कार इख्तियार किया उसको बाद में इन अल्फाज में बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के बाद हर तरफ से लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, लेकिन मुझे अपने दीन की सदाकत पर पूरा यकीन था। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुतुहात का दायरा रोज बरोज वसी होने लगा। अब मेरे दिल में अपनी हुकूमत और दीन दोनों के बारे में खतरा पैदा हुआ। इसी जमाने में एक दिन किसी शख्स ने मदीना से आकर मुझे बताया कि मोहम्मद ने मेरे बारे में ये पेशगोई की है कि किसी दिन सरदार तय अदी का हाथ मेरे हाथ में होगा। मैं ये सुनकर दहशत ज़दा हो गया और एक गुलाम को हुक्म दिया कि वह हर वक्त सामान्य सफर तैयार रखे और जूं ही इस्लामी लश्कर की आमद की खबर सुने मुझे इत्तला दे। एक दिन वो गुलाम अलसुबह मेरे पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि आका, मोहम्मद का लश्कर बढ़ता चला आ रहा है। घोड़ों पर जीने कसी हुई थी और सामान्य सफर बंधा हुआ था। मैंने अपने अहलो अयाल को साथ लिया और सीधा शाम का रुख किया जहां मेरी ईसाई बरादरी आबाद थी। वहां मैंने जोशिया बस्ती में इकामत इख्तियार कर ली। घर से रवाना होते वक्त जो भगदड़ मची उसमें मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई और इस्लामी लश्कर के हाथ असीर हो गई। ये वाकया 9 हिजरी में उस वक्त पेश आया जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदीन का एक दस्ता हजरत अली करमुल्लाह वजह की क़यादत में बनू तय की तरफ भेजा। रईस कबीला अदी फरार हो चुके थे। दूसरे अहले कबीला ने मामूली मजाहमत के बाद हथियार डाल दिए। जंगी असीरों में सफाना बिनते हातिम भी थी।
ان سب کو مال غنیمت کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب بنو طے کے اسیروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو صفانہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے صاحب قریش، مجھ بے کس پر رحم کیجیے، باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد سردار قبیلہ تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، اسیروں کو رہائی دلاتے تھے، زیر دستوں کی دستگیری کرتے تھے، مظلوموں کی حمایت کرتے تھے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے تھے۔ میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں جس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، اگر حضور مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں کی قومی روایت پر حرف نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، اے خاتون، جو صفات تو نے اپنے والد کی بیان کی ہیں یہ تو مسلمان سے مخصوص ہیں، اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک نیک خصلت باپ کی بیٹی ہے، کوئی معزز شخص ذلیل ہو جائے اور کوئی مالدار محتاج ہو جائے یا کوئی عالم جاہلوں میں پھنس جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رہا کر دیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کا یہ دستور نہ تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سکھ کی نیند سوئے، جہاں آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ کی استدعا سے بڑے متاثر ہوئے اور حکم دیا کہ سارے ایساران طے کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر صفانہ کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہ آپ کی نیکی کو اس شخص تک پہنچائے جو اس کا مستحق ہو، اللہ آپ کو کسی بدکیش اور بد نیت کا محتاج نہ کرے، اور جس فیاض قوم سے کوئی نعمت چھن جائے اسے آپ کے ذریعے سے واپس دلائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صفانہ نے جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رہائی کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا نگراں کون تھا؟ صفانہ نے جواب دیا، عتی بن حاتم، میں اس کی بہن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی عتی جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کیا؟ صفانہ نے اس بات میں جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلے کے بغیر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی حضور اور صفانہ کے درمیان ایسے ہی مکالمہ ہوا لیکن حضور نے کوئی فیصلہ صادر نہ فرمایا۔ تیسرے دن صفانہ نے پھر وہی درخواست کی، اس مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی ان کی سفارش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ درخواست قبول فرمائی اور صفانہ کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ابھی وطن جانے میں جلدی نہ کرو، جب یمن جانے والا کوئی معتبر آدمی مل جائے تو مجھے اطلاع دو۔ چند دن بعد یمن کے قبیلہ بلی یا قضا کا ایک وفد مدینہ آیا، صفانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس وفد کی واپسی کے وقت مجھے اس کے ہمراہ بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کے مرتبے کے مطابق سواری، لباس اور زاد راہ کا انتظام کر کے انہیں قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ کو عدی کی اقامت گاہ کا علم تھا، مدینہ منورہ سے وہ سیدھی جوشیہ پہنچی۔ بہن اور بھائی کی ملاقات کیسے ہوئی اس کو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ میں سنیے۔ ایک دن جوشیہ میں ہمارے گھر کے سامنے ایک سانڈنی آ کر رکی، محمل میں ایک نقاب پوش عورت بیٹھی تھی، مجھے شک گزرا کہ میری بہن ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اسے تو مسلمان اسیر کر کے لے گئے ہیں، وہ ایسے کروفر سے کیسے آ سکتی ہے؟ مان محمل کا پردہ اٹھا اور یہ الفاظ میرے کان میں پڑے، ظالم، قطع رحم تف ہے تجھ پر، اپنے اہل و عیال کو لے آیا اور حاتم کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ بہن کی بات سن کر میں سخت نادم ہوا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ بہن خاموش ہو گئی، پھر سواری سے اتر کر جب کچھ دیر آرام کر چکی تو میں نے پوچھا، صاحب قریش کیسا آدمی ہے؟ بہن نے جواب دیا، جس قدر جلدی ہو سکے تم اس سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا تمہارے لیے سرخروئی کا باعث ہوگا،
और अगर बादशाह हैं तो भी ये सबकत तुम्हारी कदर व मंजिलत का वसीला होगी। मैंने बहन की जुबान से ये अल्फाज सुनते ही घोड़े पर जीन कसी और सीधे मदीने का रुख किया। हजरत अदी मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो बहुत से लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फर्त हैरत से पुकार उठे, अरे ये तो अदी बिन हातिम है। लेकिन किसी ने उनसे कोई तारुज न किया और वो सीधे मस्जिद नबी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा हाजिर हुए। हुजूर ने उनका नाम पूछा और फिर उनका हाथ अपने दस्ते मुबारक में लेकर काशान अक्तस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक बूढ़ी औरत और फिर एक नौ उम्र लड़के ने आपको रोक लिया और देर तक आपसे बातें करते रहे। जब उन्होंने अज खुद गुफ्तगू खत्म की तो हुजूर आगे रवाना हुए। हजरत अदी ये वाकया देखकर बड़े हैरान हुए और दिल में ख्याल किया कि ये तर्ज अमल किसी दुनियावी बादशाह का हरगिज नहीं हो सकता। घर पहुंचकर हुजूर ने अदी को बइसरार चमड़े के गद्दे पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठ गए। हुजूर का ये अखलाक करीमाना देखकर हजरत अदी को पुख्ता यकीन हो गया कि ये दुनियावी बादशाह नहीं है। अब सरवर आलम और हजरत अली के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। इस गुफ्तगू की तफसील खुद हजरत अदी ने बाद में इस तरह बयान की। रसूल खुदा, ए अदी, तुम आज तक दीन इस्लाम से भागते रहे, हालांकि ये दीन हर कदम पर सलामती का जामिन है। अदी, मैं दीन ईसवी का पैरू हूँ और मेरा दीन भी सलामती की जमानत देता है। रसूल खुदा, मैं तुम्हारे दीन को तुमसे ज्यादा समझता हूँ। अदी हैरत से, क्या आप मेरे दीन को मुझसे बेहतर समझते हैं? रसूल खुदा, बेशक। क्या तुम रकवी नहीं हो और अपनी कौम के सरबराह की हैसियत से उनसे पैदावार का चौथाई हिस्सा नहीं लेते? अदी, जी हाँ, मैं रकवी हूँ और अपने इलाके की पैदावार का चौथाई हिस्सा वसूल करता हूँ। रसूल खुदा, क्या चौथ दीन ईसवी में जायज है? हुजूर के इस सवाल का मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, क्योंकि चौथ दीन ईसवी में वाकई नाजायज थी। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, तुम्हारा ये ख्याल तुम्हें दीन हक कबूल करने से रोक रहा है कि मुसलमान एक फलाकत ज़दा कौम है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं, लेकिन अनकरीब तुम देखोगे कि यही मुसलमान कसरा बिन हरमुस के खजानों पर काबिज हो जाएंगे। मैं हैरत ज़दा होकर बोला, कसरा बिन हरमुस? रसूल खुदा ने फरमाया, हाँ, कसरा बिन हरमुस, और माल और दौलत की इस कदर फरावानी होगी कि लोगों को दिया जाएगा और लेने से इनकार करेंगे, और कसरा के कसरे अबियस पर भी मुसलमानों का तसर्रुफ होगा। अदी कहते हैं कि चंद साल बाद ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने वकू पसीर हुआ, और जिस लश्कर ने कसरा के दारुल हुकूमत मदाइन और उसके कसरे अबियस पर कब्जा किया, मैं खुद उसमें शामिल था। फिर रसूल खुदा ने मुझसे सवाल किया, ए अदी, तुमने हिरा भी देखा है? मैंने कहा, मैं कभी हिरा गया तो नहीं, अलबत्ता उसका नाम जरूर सुना है। रसूल खुदा ने फरमाया, ए अदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वो वक्त आने वाला है जब एक महमल नशीन औरत तन्हा हेरा से आकर काबे का तवाफ करेगी और कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखेगा। अदी कहते हैं कि मैंने चंद साल बाद बेईनी यही मंजर अपनी आंखों से देखा कि एक महमल नशीन खातून ने तन्हा हेरा से आकर काबे का तवाफ किया और फिर इसी तरह वतन को मराजात की। इस गुफ्तगू के बाद हजरत अदी फौरन हलका बगोश इस्लाम हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबूल इस्लाम पर बड़े मसरूर हुए और उन्हें अपनी तरफ से कबीले तय की इमारत पर मुमताज फरमाया। इसके बाद वो अक्सर दरबार रिसालत में हाजिर होते और फैजान नबवी से मकदूर भर बहरियाब होते। सरवर कायनात की रहलत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला खलीफा मुकर्रर हुए तो दफतन सारे अरब में फितने इर्तदाद के शोले भड़क उठे और अक्सर कबाइल ने जक़ात देने से इनकार कर दिया। हजरत अदी ने इस नाजुक और पुरआशोब दौर में कमाल इस्तकामत का मुजाहिरा किया। वो न सिर्फ खुद साबित कदम रहे बल्कि अपने कबीले को भी इस फितने से महफूज रखा। फितने के उरूज के जमाने में वो एक दफा रात के वक्त अपनी कौम की जक़ात लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हालांकि कदम कदम पर जबरदस्त खतरात थे। उन्होंने अपनी जान जोखों में डाल दी, लेकिन जक़ात के बैतुल माल भेजने में इल्तवा और ताखीर को गवारा न किया। अहद फारूकी में हजरत अदी रजी अल्लाह तआला अपने कबीले के साथ इराक, अरब और शाम की बहुत सी लड़ाइयों में मुजाहिदाना शरीक हुए और हर मौके में अपनी जाबाजी और शुजात की धाक बिठा दी। इराक अरब की जंगें उन्होंने पहले हजरत मथना और फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास की क्यादत में लड़ी।
वो उन मुजाहिदीन में शामिल थे जिन्होंने कसरा के खजाने पर कब्जा किया। इस तरह उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख लिया। शाम की कई लड़ाइयों में उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद के हमराह दाद शुजात दी। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के अहद खिलाफत में हजरत अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना नशीनी अख्तियार कर ली क्योंकि उन्हें बाज मामलात में हजरत उस्मान से इख्तलाफ था। वो फितरतन नेक तबा थे, इसलिए हंगामा आराई के बजाय उन्होंने सियासी सरगर्मियों से बिल्कुल किनारा कश हो जाना ही मुनासिब समझा। अलबत्ता अहले मुर्तजवी में उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजह की पुरजोश हिमायत की। जंग जमल में हजरत अली की हिमायत में लड़ते हुए उनकी एक आंख फूट गई और एक बेटा मोहम्मद लड़ाई में काम आया। जंग सफैन में भी उन्होंने हजरत अली मुर्तजा की जांबाजाना हिमायत की और इस सिलसिले में हर लड़ाई में ऐसी साबित कदमी और बहादुरी से लड़े कि खुद शेर खुदा ने उसकी बरमला तारीफ की और उनकी खिदमात को सराहा। सफैन के बाद खारजियों के खिलाफ नहरवान का मुआरका पेश आया तो उसमें भी हजरत अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली करमुल्लाह वजह की रफाकत का हक अदा किया। इस लड़ाई में उनके एक दूसरे बेटे ने दाद शुजात देते हुए जाम शहादत पिया। गर्ज शुरू से आखिर तक वो हजरत अली करमुल्लाह वजह के जानिसारों में शरीक रहे। हजरत अली मुर्तजा की शहादत के बाद हजरत अदी ने कूफे में गोशा नशीनी अख्तियार कर ली और यहीं 67 हिजरी में सफर आखरत इख्तियार किया। एक रिवायत के मुताबिक वफात के वक्त उनकी उम्र 120 बरस की थी। हजरत अदी से 66 अहादीस मरवी हैं, उनमें से 6 मुत्तफिक अलैह और 3 में इमाम बुखारी और 2 में इमाम मुस्लिम मुनफरिद हैं। शेखैन और हजरत अली करमुल्लाह वजह की फयाज सोहबत से उन्हें उलूम दीनी में काफी दस्तरस हो गई थी। नहायत आबिद और जाहिद थे और हर वक्त बावजू रहते थे। नमाज और रोजों से खास शगफ रखते थे। हजरत अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु न सिर्फ अपनी कौम में मुअज्जिज और काबिल ताजीम समझे जाते थे बल्कि दूसरे कबाइल के लोग भी उनका इकराम करते थे। कबूल इस्लाम के बाद वो जब कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो हुजूर के चेहरे अकदस पर बशाशत नमूदार हो जाती और आप अपनी नशिस्त उनके लिए खाली कर देते। हक गोई और बेबाकी उनका खास वस्फ था। हजरत अली करमुल्लाह वजह के बाद अमीर माविया ने उनसे कोई तारुज न किया। ताहम एक दफा हजरत अदी से मुलाकात हुई तो उनको हजरत अली की मुसाहबत का ताना दिया। हजरत अदी रजी अल्लाह तआला गो अमली सियासत से किनारा कश हो चुके थे लेकिन ये ताना बर्दाश्त न कर सके और कड़क कर फरमाया, वल्लाह वो दिल जो तुम्हारे मुखालिफत का जोश रखते थे अभी तक हमारे पहलू में हैं और वो तलवारें जिनसे तुम्हारे खिलाफ लड़ते थे अब तक हमारे कब्जे में हैं। अगर तुम हमारे साथ बुराई का इरादा करोगे तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम इस बात पर मौत को तरजीह देते हैं कि अली बिन अबी तालिब के हक में कोई ना मुलायम कलमा सुने। अमीर माविया रजी अल्लाह तआला नहायत बुर्दबार और मुतब्बिर थे। उन्होंने हाजिरीन से मुखातिब होकर कहा, अदी की बातें नहायत सही हैं, इनको लिख लो। फिर वो बड़ी देर तक हजरत अदी से नहायत नरमी और मुलातफत से गुफ्तगु करते रहे। हक गोई के साथ हजरत अदी में जमा मर्दी और वफाशारी का वस भी बदरजे अत मौजूद था। जिस जमाने में वो कूफा में इजरत गुजरी थे, गवर्नर कूफा जियाद ने एक शोरिश के सिलसिले में उनके चचाजाद भाई अब्दुल्लाह बिन खलीफा ताई की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्होंने हजरत अदी के पास पनाह ली। जियाद ने हजरत अदी से बासपुरस की और कहा कि अब्दुल्लाह को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। हजरत अदी ने उसकी आंख में आंख डालकर जवाब दिया, तू ये चाहता है कि मैं उसे तेरे हवाले कर दूं और तू उसे कत्ल कर दे? वल्लाह मुझसे यह हरगिज ना होगा। जियाद ने हजरत अदी को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। इससे लोगों में हिजान बरपा हो गया। एक वफद ने जियाद के पास जाकर कहा, बड़े गजब की बात है, तू असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदार कबीले तय से ऐसा सलूक करता है? जियाद ने आवाम की नाराजगी से खाइफ होकर उसी वक्त हजरत अदी को रिहा कर दिया और फिर उनको कभी तंग न किया। सखावत और बख्शिश हजरत अदी को अपने बाप से विरसे में मिली थी। कोई साइल उनके दर से कभी खाली हाथ न जाता था। लोगों को झोलियां भर भर कर देते थे। अगर कोई शख्स उनके रुतबे से कम सवाल करता तो देने से इनकार कर देते थे। एक दफा किसी शख्स ने 100 दरहम मांगे। जवाब दिया, मैं हातिम ताई का बेटा हूं और तुम मुझसे सिर्फ 100 दरहम का सवाल करते हो? खुदा की कसम हरगिज न दूंगा। एक दफा अशास बिन कैस ने देगे मांगी।
हजरत अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें भरवा कर भेजा। अशअत ने कहलवाया कि मैंने तो खाली मांगी थी। हजरत अदी ने उन्हें जवाब दिया कि खाली देगें किसी को देना मेरी आदत के खिलाफ है। गर्ज एक दुनिया उनकी फयाजी से मुस्तफीज होती थी, यहाँ तक कि चीटियों तक के लिए उनकी तरफ से गजा मुकर्रर थी और वो रोटियों का चूरा कर उनके बिलों में डाला करते थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बिर ने उनके बारे में ये राय जाहिर की है कि अदी अपने कौम के मुअज्जिज़ीन में से थे, खतीब, फाजिल, हाजिर जवाब और करीम थे। रज़ी अल्लाह ताला।